अल्लाह ताला ने मोमिनों की यही निशानी बताई है कि वो नसीहत सुनने के बाद उसे भूल नहीं जाते बल्कि इस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। फरमाता है कि वल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरू बि आयाति रब्बिहिम लम यखिर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना, और वो लोग कि जब उन्हें उनके रब की आयात याद कराई जाती हैं तो उन पर वो बहरे और अंधे होकर नहीं गिरते। ये नहीं होता कि अल्लाह ताला की निशानियां देखें, अल्लाह की बातें सुने और गूंगे और बहरे बन जाएं, बल्कि याद रखते हैं, इसलिए याद रखते हैं कि उन पर अमल कर सकें। बस ये बातें जो मैं बता रहा हूं, इसको यही ना समझें कि इज्तिमा पर गए थे, बातें सुनी, तकरीरें सुनी, तकरीरें की, खेल कूद की, खलीफतुल मसीह के हाथों इनाम हासिल कर लिया और तकरीर सुन ली, बल्कि तरक्की करने वाली कौमें जो हैं, अपनी इसलाह करने वाली कौमें जो हैं, उन नसाए पर अमल करने की कोशिश करती हैं, उन रास्तों पर चलने की कोशिश करती हैं जो उनको ऊंचा ले जाने वाले राहें हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन नसीहतों पर जो की गई हैं अंधे और बहरे होकर नहीं गिरेंगे, और आइंदा भी जो नसीहतें की जाती रहेंगी उन पर भी अंधे और बहरे होकर नहीं गिरेंगे, बल्कि समझ और शऊर के साथ उन सब पर अमल करने की कोशिश करेंगे और अपने अमली नमूनों से इस्लाम और अहमदियत की सही तस्वीर दुनिया के सामने पेश करेंगे, दुनिया को बताएंगे कि हकीकी इस्लाम क्या है। इस इलाके में एशियंस और खासतौर पर मुसलमानों के खिलाफ तस्सुब बहुत ज्यादा है, आए दिन कोई ना कोई खबर आई रहती है, सही है या गलत है तस्सुब इस बहस में पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन हमारे अमली नमूने सही होंगे तो यह तासुब खुद ब खुद जायल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नौजवानों के जरिए जो नमूने कायम होंगे वो ज्यादा पुरकशिश होते हैं, वो ज्यादा दूसरों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं कि जिनके नौजवान इस किस्म के नमूने दिखाने वाले हैं उस जमात की हालत क्या होगी। तो आप अपने अमलों से इस तरह फिर आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा पेश कर रहे होंगे। तो तमाम शिकवे जो हैं इन लोगों के वो आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाएंगे। चंद एक नस्ल परस्त जो हैं यहां, वो तो होते ही हर जगह, उनके अलावा अमूमी तौर पर फजा को अमन और मोहब्बत से भरने में आपका किरदार सबसे ज्यादा होगा। बस जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि अहद को पूरा करते हुए बगैर थके एक तसलसल के साथ, एक तवज्जो के साथ अपनी जिंदगियों में तब्दीलियां पैदा करें, पहले से बढ़कर इबादत की तरफ तवज्जो दें, उन नेक अमाल को बजा लाने की कोशिश करें जिनका अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हुक्म फरमाया है, और फिर इसके जरिए से इस्लाम की खूबसूरत तालीम को इस इलाके में फैलाएं। इन लोगों में बहुत सारे ऐसे हैं जो लोग आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के खिलाफ बातें लाइल्मी की वजह से करते हैं। जब आपके अमल ये होंगे तो वो गलतफहमियां भी दूर होंगी, उनको इल्म भी होगा, और कई जगह ऐसा तजुर्बा हुआ है कि जब उनको सही इस्लाम की तालीम दी गई, उनको बताया गया तो उन्होंने एतराफ़ किया लोगों ने कि आज हमें इस्लाम का सही पता लगा है। इसलिए नौजवान ही हैं जिन्होंने इन आला अखलाक को अपनाना है और इस्लाम की सही तालीम को दुनिया में फैलाना है, अपने माहौल में फैलाना है। बस जैसा कि मैंने कहा,
इस बारे में एक तसलसल से कोशिश, कभी ना थकने का ख्याल भी दिल में लाते हुए करते चले जाएं। आपने तो खुदा अहमदिया में भी ऐद किया है कि जान माल वक्त को कुर्बानी देंगे, तो इन नमूनों को पेश करने के लिए फिर आपको कुर्बानियां भी देनी पड़े तो देनी होंगी, तभी आप अहद निभाने वाले होंगे। और इंशाल्लाह फिर आप देखेंगे कि आपके अमली नमूने, आपकी कुर्बानियां आपको तबलीगी मैदान में भी कामयाब करती हैं। एक खामोश तबलीग भी हो रही होगी, और जब आप अमली तौर पर तबलीग करेंगे तो तब भी वो आपकी तबलीग में मददगार बन रहे होंगे आपके वो अमल, और आपको अल्लाह ताला का कुर्ब दिलाने वाले होंगे, और इस मकसद को हासिल करेंगे जो अल्लाह ताला ने इंसान की पैदाइश का मकसद बयान फरमाया है। बस इस चीज को पेशा सामने रखें, और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की इस उम्मीद पर पूरा उतरने की कोशिश करें जिसमें आप फरमाते हैं कि मैं जानता हूं कि वो लोग जो हकीकी तौर पर मेरी जमात में दाखिल हैं उनके दिल जो हकीकी तौर पर मेरी जमात में दाखिल हैं उनके दिल खुदा ताला ने ऐसे रखे हैं कि वो तबन बदी से मुतनफर और नेकी से प्यार करते हैं, और मैं उम्मीद रखता हूं कि वो अपनी जिंदगी का बहुत अच्छा नमूना लोगों के लिए जाहिर करेंगे। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। अब दुआ कर लें। आमीन। सलाम तकबीर इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, हजरत मिर्ज़ा गुलाम अहमद की जय, हजरत मिर्ज़ा गुलाम अहमद की जय, जमात अहमदिया जिंदाबाद, जो अहमदिया जिंदाबाद, जो अतफाल और खुदाम इस रीजन के हैं, नॉर्दर्न रीजन नॉर्थ ईस्ट के, वो खड़े रहें, बाकी जरा थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। हाँ, अंसार भी बैठ जाएं, शेख और शेख टांगे फैला के बैठ जाएं, घुटने दर्द कर रहे हैं। अच्छा, सदर साहब कहते हैं आपने कहा था मुसाफा करने के लिए, आ जाएं आगे। Thank you.